बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल प्रोग्राम है स्टेट फॉरवर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हैं, बड़ा अहम दौरा है। हम आपको बताएंगे कि इस दौरे में असल में होगा क्या। दो मेन इशूज़ हैं और बड़े अहम इशूज़ हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से। एक तो सऊदी अरब असूली तौर पर यह फैसला कर चुका कि वो अमरीका की ब्लैक मेलिंग से बाहर आएगा, और वहाँ पे जो अमरीकी अफवाज मौजूद हैं वो मुतालबा करेगा अमरीका से कि वो वापस बुलाए, और वो पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा, दिफाई व फौजी तआवुन का मुआहदा करना चाहता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सऊदी अरब के साथ तआवुन करें सिक्योरिटी के हवाले से, और साथ ही साथ फिर मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके साथ सऊदी अरब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं, और सऊदी जो शाही ख़ानदान है इन ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बल्कि गैर मामूली अहमियत देता है। और अफवाज पाकिस्तान का जो प्रोफेशनलिज़म है, जो इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ, जो इस्लामी इत्तेहादी अफवाज हैं उसके वो कमांडर हैं, तो अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि ये ओहदा पाकिस्तान के ही पास सऊदी अरब वाले देना चाहते हैं। एक तो इसके ऊपर बात होगी कि किस तरह अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान दिफाई व फौजी तआवुन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, जो मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो माजी में जो सऊदी अरब की हुकूमत के साथ, शाही ख़ानदान के साथ इमरान ख़ान का जो रवैया रहा, जो उनके साथ उनके ताल्लुकात रहे, और जो घड़ी बेची गई सऊदी, अब तो वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई, जो सऊदी शहजादे ने, यानी कि जो वलीअहद हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कीमती घड़ी जो 10-12 करोड़ जिसकी कीमती लागत थी, और वो सिर्फ दो घड़ियाँ थी जो कि बनाई गई थी, एक वो शहजादे के पास थी, एक वो किसी और के पास थी, वो उस कंपनी ने इसके अलावा वो घड़ियाँ नहीं बनाई, और वो घड़ी इमरान ख़ान साहब ने बेच दी, दुबई में बेची। और इतलात ये हैं कि जो खावर मानिका है, जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, उनके बेटे के ज़रिए उसको बेचा गया। अब वहाँ पे जो दुबई की जो कंपनी थी, ग्राफ नाम है या गैरफ है, वो उन्होंने जब देखा कि ये दो घड़ियाँ थी, एक हमने फलां शख्स को बेची थी और एक उस शख्स को बेची थी, तो वो जो है, तो वो जो घड़ी है वो उन्होंने कहा कि किस तरह यहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने राबता किया सऊदी शाही ख़ानदान के साथ, उनका जो प्रोटोकॉल का स्टाफ था उसने सारी बात फिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बताई, तो जब उन तक ये बात पहुंची तो वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि कुछ ना करें, ये घड़ी जो है वो आप वहाँ से उठवा लें, जो वहाँ ये घड़ी उन्होंने दुबई से जिस ताजर के पास वो बेचने के लिए गई थी वो घड़ी उन्होंने वहाँ से वापस मंगवा लिया, अपने पास रख ली। नाराज़गी थी, गुस्सा था, ज़ाहिर है वो सऊदी शाही ख़ानदान है तो वो उनके अपने रवायात होती है, उस रवायात को वो जो है वो नहीं जाने देते इधर उधर। तो उसके नतीजे में ये, मैं सोए तमीद बालों को आगे बड़ी खबर है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नतीजे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो बड़े सरमायाकारी के हवाले से, तजारत के हवाले, इक्तसादियात के हवाले से जो थे वो मामलात, वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और उसके बाद एक और जो हुआ वो देखें आप, ये देखें, ये एक आप कैसे, ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है इस चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ें, कि एक अहम जो शख्सियत है वो भी कहा जा रहा है कि जिससे ज़्यादा मोहम्मद सलमान ही थे, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनको आप जो है वो मसाज की दावत देते हैं कि हमारे यहाँ ये मसाज बड़ा अच्छा होता है, और उनके बाद आप कोई रक्स व सुरूर की महफ़िल उनके एजाज़ में मुनक्कद करते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं। बड़ा बुरा बनाया उन्होंने इस बात के ऊपर, उन्होंने कहा यार ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं,
आपके साथ बेतकल्फी और बैठने का या आपके प्रोटोकॉल का, आपके इस्तकबाल का ये मतलब नहीं कि हम अपनी रवायात जो है वो बैरून मुल्क जाकर बिल्कुल उसको वो भूल जाएं। उसका भी उन्होंने बड़ा बुरा मनाया और ये खुद इमरान खान की तरफ से ऑफर की गई कि जनाब अगर आप मसाज कराना चाहें तो आपकी खिदमात के लिए जो लवाजमात हैं वो तैयार होंगे। उसके ऊपर भी बड़ा उनको गुस्सा था। अब ये शहबाज शरीफ साहब पहले भी गए, अब भी गए, एक तो जाकर जो हमारे अस्करी फौज के अस्करी जो कमांडर हैं जनरल बाजवा, उन्होंने जाकर माजरत की, माफ़ी मांगी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी, और फिर शहबाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी। तो अभी ये इतलात हैं कि ये एक तमीज़ बांधने मकसद ये है कि शहबाज शरीफ ने भी सॉरी किया, कहा कि ये हमारी बिल्कुल रवायात नहीं है, हम सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने का इम्कान है, इसके मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सऊदी अरब यहाँ पर लगाना चाहता है, सी पैक में भी वो इंटरेस्टेड है, और भी बहुत से ऐसे शोबे जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, यानी कि मजमूई तौर पर वो 12 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है। इशू ये है कि हम उनके अतमाद को ना तोड़ें। इशू ये है कि जो सऊदी अरब के साथ हमारे, जिस तरह वो हमारे साथ चार चल रहे हैं, वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। आप यकीन मानिए, वो तो उन्होंने, वो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, वो जो उन्होंने हमारे सेफ डिपॉजिट के लिए रखे गए थे पैसे 2 अरब डॉलर, उन्होंने वापस मांग लिए थे। वो फिर बड़ी मुश्किल से, जब ये इमरान खान ने ये कड़ी वाला ड्रामा किया, इसी वजह से तो वो सर्टिफाइड अब वो मशहूर हो गए हैं, चोर साबित हो गए इलेक्शन कमीशन की जानब से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ना, बड़े अहमियत के अमल होते हैं, उनको आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है वो बिल्कुल साइड लाइन कर दें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अभी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों इशूज़ पे मैंने आपसे बात करनी थी कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी आएगी, अगर यकीन मानिए 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तो फिर हमें IMF वर्ल्ड बैंक से भी ज़रूरत भी पड़ेगी, और पाकिस्तान की इकानमी भी ठीक होगी, और दोनों मुल्कों के दरमियान बरदराना ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।